उत्तराखंड में बीते कुछ समय से बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में इजाफा हुआ है। राज्य में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसी कड़ी में ताज़ा मामला देहरादून से सामने आ रहा है, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में शहर की एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर बच्चों का अश्लील वीडियो अपलोड किया था। वहीं अब इस मामले में आईटी एक्ट के तहत महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये मुकदमा कोतवाली के एसएसआई प्रदीप रावत की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत टिप लाइन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि की निगरानी की जाती है। इस दौरान सामने आया कि कोतवाली क्षेत्र की एक महिला, जिसकी पहचान बालेश्वरी देवी के रूप में हुई है, महिला के मोबाइल से आईपी एड्रेस से बच्चे का अश्लील वीडियो अपलोड किया गया था। बताते चलें कि देहरादून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एक साल के अंदर का ये सातवां मामला है। सभी मुकदमों की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है। गौरतलब है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की निगरानी केंद्र सरकार की टिप लाइन के माध्यम से की जाती है। ये उन सब मामलों की निगरानी करती है जिसमें बच्चों के अश्लील वीडियो, फोटो आदि सर्कुलेट किए जा रहे हो। इसके अलावा अगर कोई अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप से ये अश्लील वीडियो देखता भी है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। पिछले साल सीबीआई ने भी शहर में इस तरह के मामलों को लेकर देहरादून में दबिश की थी। इस दौरान सीबीआई द्वारा कई वेबसाइट को बंद कराया गया था जो इस तरह के वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया करते थे। वहीं अब एक बार फिर देहरादून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले को लेकर पुलिस हरकत में आ गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस की ओर से इन अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।